बारिश आते ही समाज सेवियों ने लिया संकल्प वृक्षारोपण का। जी हां, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी में आज नगर बजरंग दल द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें तहसील परिसर, चिकित्सालय, मुक्तिधाम, मंदिर पर पौधे लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से बजरंग दल के जिला सह संयोजक धर्मवीर भदौरिया, गोरमी नगर परिषद के सीएमओ सिया शरण यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एबी भारद्वाज मौजूद रहे। बजरंग दल द्वारा इस माह कम से कम 500 से अधिक पौधे रोपने व उनकी देखभाल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें योगेश शर्मा, राहुल सिंह, विष्णु परमार, कुलदीप तिवारी, अरुण भटेरे आदि बजरंग दल कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्य संपन्न हुआ। आज आप लोगों ने वृक्षारोपण किया है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, आज बरसात भी है तो इस विशेष मौके पर मैंने सोचा कि सावन का महीना भी है, बारिश हो रही है, तो वृक्ष लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे पर्यावरण भी सही होगा। और जो अभी अपन चला भी रहे हैं क्लीन गोरमी, ग्रीन गोरमी, उसके तहत हमारे सीएमओ साहब ने भी सहयोग किया है और हम सब भी सहयोग कर रहे हैं, और सभी नगरवासियों से भी यही अपील करेंगे कि सब लोग इस मुहिम को सफल बनाए, आगे आए क्लीन गोरमी, ग्रीन गोरमी में। आपके आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? दिमाग में बात अपना क्षेत्र है, कहीं ना कहीं अपन, क्या आपको सीएम साहब ने इसके लिए कहा कि वृक्षारोपण करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज है कि हमको वृक्षारोपण करना चाहिए और स्वच्छता में भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए सभी को। तो आपके साथ सीएम साहब भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको जब? एक बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ रहा है, साथ में हैं, साथ में सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बताएं आप अपना? राहुल भदौरिया। हाँ, इससे इसी ये काम करने से क्या क्या मिला आपको? बहुत अच्छा, लोगों को अच्छा लगेगा और इसी वैसे अच्छी भी होंगी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपके साथ ये विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक जीवन बाण है। वृक्ष पौधे ज़्यादा लगेंगे, वृक्ष ज़्यादा लगेंगे, हरियाली ज़्यादा होगी तो बरसात अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हरियाली अमावस्या ही हमारी नगर परिषद की तरफ से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था, उस टाइम पे हमने दो पौधे भी लगाए थे। अब हमारे पास बच्चे आए, एबीवीपी के हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं, इन्होंने कहा साहब हमें वृक्षारोपण चाहिए, लगाना है, तो अपने पास वृक्ष रखे थे, उन पर जाली भी रखेंगे जिससे ये सुरक्षित रहें, पौधे पशु वगैरह नहीं खा सकें, और मैं इन वृक्षों का नाम भी रखूँगा, जैसे राहुल भदौरिया, तो एक वृक्ष का नाम राहुल रख दूँगा, एक का इनका, और बच्चों के जिनके सबके नाम पूछ के जो भी लगाएंगे। फिर इनको कर्तव्य ये है कि जैसे वृक्ष तो अपने लगा दिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, हम चाहेंगे इस वृक्ष को जैसे अपने बच्चे को पाला जाता है, जैसे जिम्मेदारी लें, और ये बच्चे अभी तो बरसात में तो पानी से सिंचित रहेंगे, उसके बाद भी ये इसकी देख रेख करें, और पानी हमारे नगर पालिका के जो हमारे माली हैं वो नियमित डालेंगे, लेकिन रख रखाव इन बच्चों के द्वारा ही इन पौधों का किया जाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।